Hello students, how are you? I am Devkirandan, as you know. Welcome. बेटा मैं लास्ट लेक्चर में लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा था. उसमें मैंने अभी आपको बताया ही था जस्ट कि कैसे मिक्सिंग होती है, कैसे डिफ्यूजन होता है, ठीक है, और वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर्स क्या है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए थे. लेकिन अब इसमें जरा देखिए आगे और ध्यान से देखिएगा. जब आप किन्हीं दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स को मिक्सअप करते हो, लिक्विड्स जैसे ही मिक्सअप होते हैं तो होता क्या है बेटा, जब लिक्विड मिक्सअप होते हैं देन देयर आर थ्री केसेस. मे बी दे फॉर्म कंप्लीटली मिक्सेबल मिक्सचर, मे बी पार्शियली मिक्सेबल, और हो सकता है कंप्लीटली इमिसिबल. हो सकता है कि मिक्सअप ही ना हो प्रॉपर. जैसे सपोज करिए आपने वाटर और अल्कोहल मिक्सअप कर लिए, आपने देखा मिक्सिंग के बाद प्रॉपरली मिक्सअप हो गया. दीज आर द कंप्लीटली मिक्सेबल टाइप. सिमिलरली अगर आप बेंजीन को टोलुइन, इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल क्लोराइड के साथ मिक्सअप करो तो ये मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं. पार्शियली मिक्सेबल वो है जो किसी एक्सटेंट तक मिक्सिंग तो कर लेते हैं बट कंप्लीट यूनिफॉर्म और होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाते. फॉर एग्जाम्पल डाइमिथाइल ईथर एंड वाटर, डाइइथाइल ईथर्स एंड वाटर ये प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होते. पार्शियल मिक्सिंग करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मिक्स होते हैं या वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू मिक्स होते हैं, फिजिकल फोर्सेस. कंप्लीटली इमिसिबल में आप देखिए अगर मैं वाटर और केरोसिन ऑयल को मिक्स कर दूं, मिक्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के नेचर अलग अलग है. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज व्हेन वी मिक्स लिक्विड टू लिक्विड. बेसिकली जो ये कंप्लीटली मिक्सेबल सॉल्यूशंस बनते हैं यही सॉल्यूशंस हैं, बाकी तो सभी हेटरोजीनियस हैं. और इसमें फर्दर दो टाइप बनते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. वन इज द आइडियल सॉल्यूशंस, मतलब जब हम किन्हीं दो लिक्विड्स को मिक्सअप करते हैं देन देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, एंड अनदर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये दो केसेस बनते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल, ठीक है. तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखिए राउल्ट्स लॉ क्या है. राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जब भी बनेंगे इसमें एक लिक्विड एज ए सॉल्यूट होगा, दूसरा लिक्विड एज ए सॉल्वेंट होगा, तो फिर जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा उसमें हम किस टाइप का सॉल्यूट कहेंगे इसे. जब अगर सॉल्यूट लिक्विड हो देन डेफिनेटली इट इज टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, ठीक है. हालांकि सॉल्वेंट यहां पे भी लिक्विड है, तो सॉल्वेंट तो बहुत से केसेस में लिक्विड था, सॉलिड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये भी है. तो जरा ध्यान से देखिए होता क्या है जब आप किन्हीं टू लिक्विड्स को मिक्सअप करते हैं. सपोज वी हैव प्योर लिक्विड ए, मान लीजिए अपने पास ये प्योर लिक्विड ए है, किसी गिवन टेम्परेचर पर इस लिक्विड की कुछ वेपर्स फॉर्म हुई. ये प्योर है अभी, ये वेपर्स है जो यहां से बनी है, ये लिक्विड फॉर्म है. थोड़ी देर के बाद लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम आ गया. देन सपोज पी नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट दिस टेम्परेचर. ये मान लीजिए मैंने लिक्विड ए का आपको दिया डेटा, ठीक है. लिक्विड ए के मोल्स सपोज करिए एन ए है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए. सपोज वी टेक अनदर लिक्विड बी, मान लीजिए लिक्विड बी है,
लिक्विड बी को किसी गिवन टेम्परेचर पर जब आपने हीट करा उसी टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड ए था, तो आपने देखा इसकी कुछ वेपर्स बनी है। इन वेपर्स का लिक्विड के साथ एक इक्विलिब्रियम बनाया, जब इक्विलिब्रियम बन जाए तो सपोज मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी एंड सपोज इसके नंबर ऑफ मोल्स है एन बी, इसके नंबर ऑफ मोल्स है एन ए, इसके नंबर ऑफ मोल्स है एन बी। ये दो अलग अलग लिक्विड थे जो प्रॉपर मिक्सअप हो सकते हैं, मैंने इनको मिक्स करा। आफ्टर मिक्सिंग वी गेट अ सॉल्यूशन। अब दोनों लिक्विड यहां पे मिक्सअप हो गए, ए बी के साथ इंट्रैक्ट हो गया, उसी टेम्परेचर पर इन दोनों लिक्विड के कुछ वेपर्स फॉर्मेशन हुई। अब आप देखोगे यहां पे जो वेपर फॉर्मेशन हुई है लिक्विड ए की जो वेपर्स है, लिक्विड बी की जो वेपर्स है, जो इंडिविजुअल फॉर्म में हुई है जितनी, अब यहां उतनी नहीं बनेंगी क्योंकि ए और बी का मिक्सचर हो गया। यहां पे टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी हो जाएंगे, लेकिन इस तरह जो भी वेपर प्रेशर बनेगा, इट इज अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। और जब इस वेपर प्रेशर का लिक्विड के साथ एक इक्विलिब्रियम बन जाए, मिक्सिंग हो जाए, तब आपने एक मैथमेटिकल स्टडी करनी है, वही अराउंड स्लो। फिर से देखिए, suppose we take liquid A, we take liquid B, mix together to form a solution. Initially, it is an N number of moles, N number of N B number of moles. इसका वेपर प्रेशर P not A, इसका वेपर प्रेशर P not B इंडिविजुअल स्टेट में, दोनों को आपने मिक्स अप करा और आपको मिल गया सॉल्यूशन। जब आपको सॉल्यूशन मिल गया A और B का, तब टोटल प्रेशर P T है। डेफिनेटली बेटा ये वेपर्स का मिक्सचर होगा, यहां पे वेपर्स डी टू ए होंगी, वेपर्स डी टू बी होंगी, क्योंकि दोनों ए और बी का मिक्सचर है हमारे पास। जब टोटल मिक्सचर में जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है पी टी, दिस इज द टोटल प्रेशर, डेफिनेटली दिस प्रेशर इज ड्यू टू प्रेशर, वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। बट ये जो ए का वेपर प्रेशर है, बी का वेपर प्रेशर है मिक्सचर में, वो क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट बाय राउल्ट्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, सपोज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, सपोज पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, PB is the vapor pressure of liquid B in the mixture. In the liquid mixture, vapor pressure of liquid A, vapor pressure of liquid B in the mixture. ये PA और PB है. Then, according to Raoult's law, please ध्यान दीजिए. These are also partial pressures in the mixture. जो PA की value होगी, according to Raoult's law, it is equal to mole fraction of liquid A in the solution multiplied by vapor pressure of the liquid A in its pure state. Partial pressure in the liquid-liquid solution of vapors A equal to mole fraction of liquid A in the solution multiplied by vapor pressure of the same liquid इन इट्स प्योर स्टेट। जब ये बिल्कुल अकेला था तो वेपर प्रेशर ये था, अभी सॉल्यूशन में आ गया तो इसका मोल फ्रैक्शन ये है। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से हम मल्टीप्लिकेशन करके वो वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं जो सॉल्यूशन में लिक्विड ए की वेपर्स के थ्रू वहां पे एक्सर्ट हो रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लिखना, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, vapor pressure due to liquid component, due to one liquid component, vapor pressure due to one liquid component is
equal to the multiplication of mole fraction of the liquid component in the solution, liquid component in the solution at given temperature and vapor pressure of the same component in its pure state. In its pure state, with vapor pressure due to one liquid component in the solution. इस सॉल्यूशन में किसी एक लिक्विड की वेपर्स की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट एट गिवन टेम्परेचर। अब आपको पता है अगर पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड था, ठीक है, और यहां पे मिक्स मोल फ्रैक्शन उसका ए ए का एक्स ए हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए दैट इज इक्वल टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। Similarly, what is the PB? Another component की वजह से vapor pressure क्या होगा? According to Raoult's law, it should be equal to XB P not B. Here, XB is equal to NB over NA plus NB. P not B and P not A are the vapor pressure of two liquids in their pure state, not in the solution at given temperature. Now if you find out the total vapor pressure of the liquid-liquid solution, liquid-liquid ideal solution, liquid-liquid mixable solution, it is Pt is equal to Pa plus Pb. दोनों को ऐड कर दो, मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा वन होता है जब कभी भी ऐड किया जाए, तो इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो। Pa और Pb इनके पार्शियल प्रेशर्स हैं, जिन्हें मैं वेपर प्रेशर कह रहा हूं मिक्सचर में। This is the partial pressure due to liquid A and this is same due to liquid B. B की vapors का जो partial pressure है वो ये है, A की vapors का जो partial pressure है वो ये है, ये Raoult's law है, पर दोनों का sum total pressure होगा, इससे ज्यादा liquid होते थे और components निकालते, ये Dalton's law है। यहां से आप मोल फ्रैक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द टोटल प्रेशर एग्जर्ट बाय वेपर्स इन द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, Pa इज द एक्स ए पी नॉट ए। बेटा यहां पे सिंबल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आपको ये नहीं पता लगता कि एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है, पी ए क्या है और पी बी क्या है, तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, पी नॉट ए एंड पी नॉट ए आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी व्हेन दीज आर इन इट्स प्योर स्टेट एट गिवन टेम्परेचर, पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ए, PB is the partial pressure due to vapors B in this vapor mixture formed by this liquid. ये liquid की जो vapors बनी थी उसमें A की भी vapors हैं और B की भी vapors हैं। उन vapors में mixture में जो A और B की vapors बनी है उनकी वजह से जो partial pressure आया है, ये liquid liquid mixture है A और B का, तो A की भी यहाँ पे कुछ vapors हैं, B की भी कुछ vapors हैं, इन्होंने टोटल प्रेशर एग्जिट कराया जो पी ए और पी बी के बराबर है, ठीक है, तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं।
XA and XB are the mole fraction of liquid A and liquid B in the solution. समझ गए? अब आप यहां से समझ सकते हो कि अगर मैं दो लिक्विड को मिक्स करता हूं तो ग्राफिकली कैसे शो करोगे. आपने देखा कि PA is equal to XA P not A, PB is equal to XB P not B. मैथमेटिकली तो ये Y is equal to MX equation है. Y is equal to MX is a general equation of a straight line. So suppose मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जिसमें ये मोल फ्रैक्शन को शो करेगा. एंड सपोज दिस इज द प्योर लिक्विड ए एंड दिस इज द प्योर लिक्विड बी वेपर प्रेशर्स. प्योर लिक्विड ए का मतलब है एक्स ए वन हो गया तो एक्स बी जीरो. अगर लिक्विड ए प्योर होगा तो मोल फ्रैक्शन उसका वन होगा. अगर यहां पे बी प्योर है तो बी का मोल फ्रैक्शन वन है क्योंकि फिर बी के ही मोल्स होंगे सिर्फ. सपोज दिस इज द प्योरेस्ट स्टेट मैक्सिमम वेपर प्रेशर. लेकिन जैसे ही आपने इस लिक्विड में बी ऐड करना शुरू करा है ए के फ्रैक्शन ए की अमाउंट कम होती जाएगी, बी की फ्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे तो जो इसका प्रेशर है वो कम होता जाएगा और बी का साइमल्टेनियसली बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम तक जा सकता है. दिस लाइन शोज द पी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए. This line shows the PB is equal to XB into P not B. और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, then this line give you the total pressure. ये variation है mole fractions का, ठीक है? तो ये इस type से relation बनेगा. This is the Raoult's law of volatile solute. It is useful to find out partial pressures due to vapors of liquid-liquid solutions. अब देखिए बेटा, जो हमने यहां सॉल्यूशन बनाया था, सपोज ये जो डार्क पॉइंट्स हैं, दिस इज द लिक्विड ए मॉलिक्यूल्स, दीज आर द लिक्विड बी मॉलिक्यूल्स. ए के मोल्स हैं एन ए और बी के मोल्स हैं एन बी. सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए? एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी. What is mole fraction of liquid B? NB over this. दोनों की वेपर्स बनी होंगी. सपोज कुछ वेपर्स लिक्विड ए की हैं यहाँ पे, कुछ वेपर्स बी की हैं. These are the vapors. Due to A. These are the vapors. Due to B. ठीक है, यहां पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम आया. जब इक्विलिब्रियम अकर कर जाए उस टाइम पे पी ए एंड पी बी, क्योंकि आप ए की भी वेपर्स हैं और बी की भी वेपर्स हैं, इट्स अ वेपर प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ए या वेपर्स ऑफ लिक्विड ए. ऐसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी कहेंगे. इट इज सेम फॉर लिक्विड बी. आपने देखा कि पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी. एक्स ए एक्स बी पी नॉट ए पी नॉट बी पी ए एंड पी बी दिमाग पर रखना, ठीक है? मान लीजिए ये जो गैसियस मिक्सचर है, इन द गैसियस मिक्सचर सपोज वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ बी. मान लीजिए जो ए की वेपर्स बनी थी और बी की वेपर्स बनी थी, उन वेपर मिक्सचर के मोल फ्रैक्शंस हैं ये. इट्स अ गैसियस कंपोजिशन. देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द गैसियस फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. सिमिलरली फॉर अनदर कंपोनेंट,
यहां से आप अगर चाहो तो वेपर फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शंस है लिक्विड ए और बी के, जो यहाँ वेपर्स बनी है उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पीटी इज द टोटल प्रेशर और ये जो पीटी होगा पीए प्लस पीबी होगा, ठीक है। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि फाइंड आउट द गैसेस कंपोजिशन ऑफ लिक्विड वेपर्स ए एंड वेपर्स बी, इट्स अ वाई ए एंड वाई बी, कैन बी फाइंड आउट बाय डाल्टन्स लॉ, एंड फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शंस इन द लिक्विड दैट इज एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शंस ड्यू टू लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शंस ड्यू टू वेपर्स ए एंड वेपर्स बी, ठीक है। सो दिस इज द राउंड्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, एक बार इसको आप देखिए ध्यान से, ठीक है, और जब आप इसको देख लो फिर बुक से पेज रीड करने की कोशिश करो और होपफुली आपको समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है आप मुझे फोन करो, लेकिन ध्यान रखना मैं ये देख रहा हूँ कि होमवर्क बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। देखो प्लस वन वाले बच्चे अगर थोड़े से नेगेटिव रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्लस टू में बार बार कहना पड़े कि होमवर्क करिए, बार बार कहना पड़े कि रीड करिए, इसका मतलब है कि आप अभी भी सीरियस नहीं हो, ना ही सीरियसली ले रहे हो। दैट इज योर एंड, ठीक है। आप सीरियस नहीं हो या सीरियस नहीं ले रहे हो, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्लासेस फिर शुरू होगी, कब फिर आपका आना जाना होगा, मिलना जुलना होगा, भागना दौड़ना होगा, घूमना फिरना होगा, ये चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से चीज़ों को फॉलो करो और स्टडी करो। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी पीडीएफ ले लो या उस पर डाउनलोड कर लो, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव करते थे बच्चे उनके पास प्रभात की बुक पड़ी होगी, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। बट प्लीज़ डू होमवर्क सिंसियरली एंड सीरियसली, स्पेशली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट बहुत कम बच्चों ने सेंड की है। मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट जो मैं मेहनत या बंद कमरे में दीवारों को पढ़ा के कर रहा हूँ, कैमरा सिर्फ रखा है, मेरे को देख सकते हो कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो आप घर पे इसको ईयरफोन लगा के प्रॉपर किताबें उठा के क्यों नहीं पढ़ सकते। ये आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। सो बी मोटिवेटेड और अब शुरू कर दो। ओके, थैंक यू, वेलकम।